चलो जी लेके आओ राजकुमार जी आगे आगे आओ भाई आओ आओ चलो आगे उधर पहुंचना है ऑफिस पहुंचना है भाई आओ नमस्कार आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती। देखिए इस वक्त हम सेक्टर 28 सांसद कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर मौजूद हैं और यहां पर जो है सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है और तांता क्यों लगा है इसकी वजह आप सभी जानते हैं। इस बात से सभी लोग अवगत है कि कल रात को ही शाम के समय में ही लिस्ट आ गई थी कि इस बार भी जो है फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को ही टिकट मिली है। दो बार सांसद रह चुके कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार भी टिकट मिल गई है और यहाँ पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है जो कि फूल बुके से आकर उनका स्वागत कर रहे हैं, साथ ही उनको बधाई दे रहे हैं। जो टिकट मिली है विषय है इस बार भी जो है बताया जा रहा है 8 लाख पार बहुमत से जो है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस बार जीतेंगे। एक बार जानेंगे समर्थकों से भी क्या कहना है उनका। दिलीप चंद कैसा लग रहा है टिकट जो है सांसद दोबारा तीसरी बार मिल गई है? क्या बिल्कुल मिलेगी क्या लग रहा है भाई जीतेंगे? हाँ जी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे तीसरी बार भी टिकट मिली है क्या लगता है मंत्री जी? तीसरी बार के लिए डिक्लेयर है, कोई मुकाबले भी नहीं है जी, कोई टक्कर देने वाला कोई भी नहीं जी, मिटकोला से जी, मिटकोला से। तो क्या लग रहा है उनके काम से संतुष्ट है? संतुष्ट है जी, हाँ जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी नीचे की ओर मोदी के नाम पर वोट दोगे या फिर काम के ऊपर वोट दोगे? काम के ऊपर वोट देंगे जी। काम के ऊपर? हाँ जी मतलब भाजपा अच्छी लगती है? हाँ जी बढ़िया। हाँ जी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बेटे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी लोग जो है स्वागत कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तीसरी बार टिकट मिली है। पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जो इस वक्त सांसद हैं वही दोबारा से सांसद बनेंगे बहुमत के साथ। कैसा महसूस कर रहे हैं मंत्री जी को तीसरी बार टिकट मिली? देखिए आज इस पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में, क्षेत्र के लोगों में बहुत ही हर्ष का माहौल है, बहुत ही खुशी की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, प्रदेश का नेतृत्व, हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। और आज जिस तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई देता है फरीदाबाद लोकसभा में, यहाँ फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के लोग आज और देश के लोग आज मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से देश में और इस लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य केंद्र की सरकार के द्वारा, हरियाणा की सरकार के द्वारा हुए हैं, उसके दम पर लोगों में ये विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत पहले से भी प्रचंड होगी। क्या लग रहा है कोई टक्कर देने वाला है या नहीं है, जीत पक्की है? देखिए टक्कर देने की बात केवल फरीदाबाद लोकसभा की नहीं, पूरे प्रदेश की, हरियाणा की बात करें, पूरे देश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने आज विपक्षी दलों के उम्मीदवार बनने से कतरा रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से देश को उन्होंने आगे बढ़ाया है और जिस तरह के विकास जो पूरे देश में हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में जो विकास हुआ है उसी का परिणाम है कि आज विपक्षियों पार्टियों के जो उम्मीदवार कोई बनने से भी कतरा रहा है, ये दर्शाता है कि इस बार की जीत पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों के साथ केंद्र की सरकार को मजबूत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीतेंगे। क्या लगता है इस बार कितने वोटों के साथ मंत्री जीतेंगे? देखिए वोटों का सही आकलन करना तो बड़ा कठिन है जी। लेकिन मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत जो पूर्व में जो जीत रही है उनसे भी बड़ी जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पुत्र हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया कि इस बार जो है कमल का फूल तीसरी बार दोबारा खिलेगा और तीसरी बार भी सांसद ही सांसद बनेंगे। सर तीसरी बार टिकट मिल चुकी है, क्या लगता है कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये इनका हक भी था क्योंकि इन्होंने काम इतने करवाए थे, फिर वैसे भी जो ना मोदी जी की टीम के आदमी हैं और फरीदाबाद के जो जनता है वो उनके दिलों के अंदर जो हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं और ये पिछली बार हमारे 6.25 लाख इस बार कम से कम जो 9 और 10 लाख मार्जिन से वो जीतेंगे इस बार। क्या लग रहा है कौन कभी टक्कर दे सकता है अभी तक? तो कोई टक्कर भी है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, मंत्री ही जीतेंगे, मंत्री जीतेंगे 100% जीतेंगे। कैसा काम कैसा लगता है? बहुत बढ़िया काम किया, हर जगह कहीं भी है, हमारा वार्ड है वो डबुआ का 8 नंबर वार्ड है, हमें करोड़ों रुपए दिए इन लोगों ने वहाँ काम करवाने के लिए और वहाँ सड़कों का काम, जीटी रोड देख लो, पुल देख लो, कोई भी ऐसे काम मेट्रो आगे तक पहुँचाती
और कितने ऐसे काम है जो अधूरे थे वो सारे पूरे करें, या पीने के पानी की, सीवर की, छोटे छोटे काम जो है लोगों ने इनसे करवाए। अभी आ जाओ आप खुद महसूस कर रहे हो कि मोदी जी के प्रति लोगों में किस तरह का उत्साह है। लोग बेकरार हैं मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखने के लिए, और ये हजूम वही बात कह रहा है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, 400 से अधिक सीटें उनको देनी है और भारतीय जनता पार्टी अकेली को 370 से ज्यादा सीट देनी है। मंत्री जी, ये लोगों का उत्साह बता रहा है। हैदराबाद में कल से कहा जा रहा है अगली बार 10 लाख पार, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक बात कही है, ये लोग तय करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा। दो चुनावों में लोगों ने एक से बड़ी एक जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है, लेकिन मैं भरोसे के साथ फरीदाबाद के लोगों पर, जिस तरह उनका मुझ पे भरोसा है, मेरा उन पर भरोसा है, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के चुनाव में फरीदाबाद के लोग देने जा रहे हैं। मंत्री जी, लोगों की डिमांड अभी भी जो हमारा दैनिक संवाद है, मदर यूनिट और फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो और फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद के बीच में मेट्रो की मांग हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मदर यूनिट की बात है, हमने पिछली बार भी बात की थी, लेकिन उसके लिए सस्ती ज़मीन चाहिए और फरीदाबाद में सस्ती ज़मीन नहीं है। यहाँ करोड़ों रुपए एकड़ की ज़मीन है जिसमें कोई भी मदर यूनिट वाइबल नहीं हो सकती, फिजिबल उनके लिए नहीं हो सकता। हाँ, गुड़गांव फरीदाबाद से और फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो को ये मुख्यमंत्री जी ने मनोहर जी ने कह रखा है और उसकी DPR बन रही है। फरीदाबाद और गुड़गांव में बीच में खाली बल के कारण वो फिजिबल नहीं हो रही थी, लेकिन मनोहर लाल जी लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं और अब नायब जी भी लगेंगे उसमें। हमको ये काम अगले टर्म में पूरा करना है। एक तो ये पक्का होगा, बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो निश्चित तौर पे जाएगी और हम फरीदाबाद और गुड़गांव को भी मेट्रो से जोड़ेंगे। ये हमने पहले भी कहा था, आज भी अपनी बात पर हम कायम हैं। ग्रेटर फरीदाबाद से भी मेट्रो की कनेक्टिविटी, देखिए निश्चित तौर पर पहले ये दो मेट्रो जुड़ जाए। तीसरा हमारे मन में सिर्फ ग्रेटर फरीदाबाद से नहीं, फरीदाबाद से नोएडा को मेट्रो से जोड़े। जब हमने ग्रीन एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट के लिए बना दिया, तो एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से मेट्रो से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से उस पर हम काम करेंगे और हमारी कोशिश होगी और आने वाले समय में कि फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से भी मेट्रो से जोड़ा जाए। देखिए, सभी जो है बेहद खुश हैं और सभी लोग सुबह से आकर यहाँ पर बधाई दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को, जो कि दो बार पहले सांसद रह चुके और तीसरी बार टिकट मिल गई है। पूरे उम्मीद है, लोगों द्वारा, समर्थकों द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार भी जो है केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ही दोबारा से तीसरी बार सांसद बनेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे, नमस्कार।